वेलकम टू यू माई चैनल ऑल ओवर यार। अगर आप लोग हम मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज हम आप लोग को आइडेंटिफाई करके दिखाएंगे कैसे WBC को आइडेंटिफाई किया जाता है, इसलिए मेरे वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। हम लोग का शरीर में जो ब्लड होता है उसमें जो व्हाइट ब्लड सेल होता है उसका बारे में जान लेते हैं। हम लोग का व्हाइट ब्लड जो सेल होता है उसको दो टाइप से डिवाइड किया जाता है, ग्रैनुलोसाइट और एग्रोनोसाइट। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईसोनोफिल, ये सब हुआ ग्रैनुलोसाइट और एग्रोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट ये है एग्रोनोसाइट। का ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल है उसको दो टाइप से डिवाइड किया जाता है। चलो आप समझेंगे वो आइडेंटिफाई करेंगे WBC सेल को। हम लोग का शरीर में जो ब्लड होता है RBC होता है उसका साइज जो है 7.0 माइक्रोमीटर होता है और लुक साइज ऑफ द सेल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ RBC। तो चलो पहले हम लोग लिम्फोसाइट के बारे में जान लेते हैं। जो लिम्फोसाइट होता है वो साइज में छोटा होता है और इसमें इसका जो शेप होता है ओवल शेप ऑफ न्यूक्लियस होता है, ग्रेनुलर सेप्सल होता है, साइज ऑलमोस्ट इक्वल टू RBC के तरह होता है। लिटिल लार्ज और डबल टू साइज ऑफ RBC जो है इसमें ग्रेनुलोसपेरिजन और ग्रेनुलोसेप्सन होता है। ये जो देख रहे हैं ये न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल का जो लोफ होता है 1 to 6 लोफ ऑफ न्यूक्लियस होता है, ग्रेनुलोसपेरिजन होता है, लिटिल लार्ज और डबल टू साइज ऑफ RBC के तरह होता है। ईसोनोफिल जो होता है इसका 2 लोफ ऑफ न्यूक्लियस होता है, सेपरेट शेप होता है, ग्रेनुलोसपेरिजन होता है, लिटिल लार्ज और डबल टू साइज ऑफ RBC के तरह होता है। चलो आप जान लेते हैं बेसोफिल। बेसोफिल जो होता है ये भी लिटिल लार्ज और डबल टू साइज ऑफ RBC की तरह होता है, ग्रेनुलस प्रेजन होता है, 2 लूप ऑफ न्यूक्लियस होता है एस सेफ विथ ग्रोलस ऑन न्यूक्लियस होता है। और ये जो देख रहे हैं ये है बेसोफिल। बेसोफिल जो होता है इसमें 2 लूप ऑफ न्यूक्लियस होता है एस सेफ होता है विथ ग्रोलस ऑन न्यूक्लियस होता है, ग्रोलस प्रेजेंट होता है, लिटिल लार्ज और डबल टू साइज ऑफ RBC की तरह होता है। तो ये ओवरऑल ये हो गया हम लोग का बेसोफिल। आप हम लोग समझेंगे जो लार्ज लिम्फोसाइट है, जो लार्ज लिम्फोसाइट है ये भी लिटिल लार्ज और डबल टू साइज ऑफ RBC की तरह होता है। इसमें ग्रोलस एब्सेंट होता है, ओवल शेप ऑफ न्यूक्लियस होता है। ये जो देख रही है लार्ज लिम्फोसाइट। तो चलो आप हम लोग मोनोसाइट के बारे में जान लेते हैं। मोनोसाइट कैसा है, मोनोसाइट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मोनोसाइट होता है वो वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू साइज ऑफ RBC की तरह होता है। इसमें ग्रेनुलस एब्सेंट होता है, किडनी सेफ न्यूक्लियस होता है। ये जो देख रहे हैं ये है मोनोसाइट। जो मोनोसाइट होता है ये इसका जो सेफ होता है ये किडनी सेफ ऑफ न्यूक्लियस होता है, ग्रेनुलस एब्सेंट होता है, वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू साइज ऑफ RBC की तरह होता है। तो ये जो देख रहे हैं ये ओवरऑल हो गया ये मोनोसाइट। मोनोसाइट देखने में किडनी सेफ न्यूक्लियस होता है, ग्रेनुलस एब्सेंट होता है, वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू RBC की तरह होता है। तो ये चलो ये ओवरऑल हम लोग का जो जितना सारे WBC सेल है उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया है। तो आप चलो फिर रिपीट करके देख लेते हैं एक बार। जो स्मॉल लिम्फोसाइट होता है वो ओवल शेप ऑफ न्यूक्लियस होता है, ग्रेनुलस एब्सेंट होता है, साइज ऑलमोस्ट इक्वल टू RBC की तरह होता है, लार्ज लिटिल लार्ज और डबल अमाउंट टू साइज ऑफ RBC, ग्रेनुलस प्रेजेंट और ग्रेनुलस एब्सेंट। जो न्यूट्रोफिल होता है न्यूट्रोफिल का 1 to 6 लोफ ऑफ न्यूक्लियस होता है, उसमें ग्रेनुलस प्रेजेंट होता है। और जो ईसोनोफिल होता है उसमें 2 लूप ऑफ न्यूक्लियस होता है, सेपरेट शेप होता है, ग्रेनुलस प्रेजेंट होता है। और जो बेसोफिल होता है इसमें 2 लूप ऑफ न्यूक्लियस होता है एस शेप होता है विद ग्रेनुलस ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर ग्रेनुलस प्रेजेंट होता है। और जो लास्ट लिम्फोसाइट होता है इसमें ओवल शेप न्यूक्लियस होता है, ग्रेनुलस एब्सेंट होता है। और जो मोनोसाइट होता है ये किडनी शेप होता है और ग्रेनुलस प्रेजेंट ग्रेनुलस एब्सेंट होता है। चलो इसका ये सारे सेल का बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। जो न्यूट्रोफिल होता है ये जो
हम लोग का ब्लड में जो 100% जो होता है उसमें से 50 to 70% न्यूट्रोफिल होता है। इसका जो साइज होता है 10 to 14 माइक्रोमीटर होता है और जो न्यूक्लियस होता है मल्टी लूफ 1 to 6 लूफ पर्पल इन कलर होता है। साइटोप्लाज्म स्लाइट ग्लोइस होता है। ग्रेनुलस फाइन स्टोन लाइक पार्टिकल रेड ब्राउन एंड पर्पलिश और कलर होता है। हाँ जी, इसका फंक्शन होता है फेगोसाइटोसिस होता है, मीडियेटेड फिब्रेंस रिस्पॉन्स होता है। जो इओसिनोफिल हम लोग का जो इओसिनोफिल का परसेंटेज होता है हम लोग का ब्लड में 1 to 4% होता है। जो सेल साइज होता है वो 10 to 14 माइक्रोमीटर होता है। जो न्यूक्लियस होता है बाइलोब सेपरेट से पर्पल इन कलर होता है। साइटोप्लाज्म इओसिनोफिलिक लाइट पिंक कलर होता है। जो ग्रैनुलस होता है वो लार्ज स्पॉट्स ब्रिक रेड इन कलर, डू नॉट कवर द न्यूक्लियस। जो फंक्शन होता है माइल्ड फेगोसाइटोसिस लिमिटिंग एलर्जी मैनिफेस्टेशंस प्रोवाइड लोकल म्यूकोसल इम्यूनिटी। ये जो देख रहे हैं ये हो गया हम लोग का इओसिनोफिल। जो बेसोफिल होता है इसका जो परसेंटेज होता है ये 1% से कम। सेल का जो साइज होता है 10 to 14 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियस जिसका होता है बाइलोब्ड पर्पल इन कलर होता है। अरेंज इन द शेप साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक ब्लू इन अपीयरेंस ग्रेनुलस लार्ज स्पॉट्स पर्पलिंग ओवरलाइंग न्यूक्लियस फंक्शन माइल्ड फोटोसाइटोसिस एलर्जी मैनिफेस्टेशन। तो ये जो देख रहे हैं ये है बेसोफिल। तो जो मोनोसाइट होता है मोनोसाइट का जो परसेंटेज होता है 2 to 8% होता है। ये मोनोसाइट का जो साइज होता है 10 to 18 माइक्रोमीटर होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है सिंगल किडनी शेप पेल इन कलर होता है। पेरिफेरल इन पोजीशन होता है। साइटोप्लाज्म जो है सो पेल ब्लू अमाउंट मोर देन न्यूक्लियस। और जो ग्रेनुलस होता है इसमें ग्रेनुलस एब्सेंट होता है। तो फेस होता है जो लिम्फोसाइट होता है इसका जो परसेंटेज होता है प्लाट में 20 to 40% होता है। जो सेल साइज होता है इसका जो स्मॉल लिम्फोसाइट होता है वो 7 to 10 माइक्रोमीटर होता है। इक्वल टू आरबीसी साइज होता है। जो लार्ज लिम्फोसाइट होता है वो 10 to 14 माइक्रोमीटर होता है, डबल टू आरबीसी साइज होता है। जो न्यूक्लियस होता है सिंगल वेरी बिग ओवर राउंड इन द शेप सेंट्रल इन पोजिशन ऑक्यूपाइंग होल ऑफ द सेल। और जो साइटोप्लाज्म होता है एस्केंटी स्काई ब्लू इन कलर लेस अमाउंट देन न्यूक्लियस। जो ग्रेनुलस होता है वो एब्सेंट होता है। और फंक्शन जो होता है प्रोड्यूस एंटीबॉडी करते हैं। जो लिम्फोसाइट होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो चलो, मेरे इस वीडियो देख के आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।